भैया किसी के फटे में टांग अड़ाने को नहीं आया, राज करने को आया, पुष्पा राज करने आया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। फ्रेंड्स, मैं अमर अंसारी, आप सभी लोगों का स्टाइलिश स्टार, नाउ आइकन स्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा पार्ट वन के एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई, खुशखबरी है आपके लिए मेरा भाई। फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में दो बड़ी बड़ी खुशखबरियां लाया हूं मैं आपके लिए, सुन के यू गाइज आर गोना बी सुपर एक्साइटेड, एब्सोल्युटली अमेजिंग। एंड ओटीटियंस ऑब्वियसली खुश नहीं होंगे, आप लोगों को भैया टिकट लेकर थिएटर में जाना होगा। एंड थिएटर से याद आया, हम सभी लोगों को पता है कई जगहों पर थिएटर्स बंद हो चुके हैं, लेकिन कई सरकार प्रशासन है जो कि थिएटर्स बंद नहीं कर रहे हैं। दे हैव अंडरस्टूड कि थिएटर्स बंद करना यहां पर सोल्यूशन नहीं है, डबल वैक्सीनेशन हो गए हैं, इसी का कारण है बहुत सारी जगहों पर थिएटर्स जो है वो 50% ऑक्यूपेंसी पे भी खुले हुए हैं। एंड महाराष्ट्र ऑलवेज मेंटेन 50% ऑक्यूपेंसी। अब गाइज, यहाँ पर महाराष्ट्र के मिनिस्टर अमित देशमुख जी का एक बहुत बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि एट प्रेजेंट, अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पर सिनेमा हॉल्स और मॉल्स जो है वो बंद नहीं करने वाले हैं। सो गाइज, सबसे बड़ी खुशखबरी है यहाँ पर कि एटलीस्ट इन मुंबई सर्किट सिनेमाघर बंद नहीं होंगे। गुजरात में 100% ऑक्यूपेंसी सिनेमाघर चलने वाले, तो महाराष्ट्र एंड गुजरात इज इनफ फॉर एनी बिग फिल्म टू स्मैश बिजनेस। एंड पुष्पा यही कर रही है पिछले ऑलमोस्ट 4-5 दिनों से यहाँ पर। एंड यहाँ पर मिनिस्टर अमित देशमुख ने भी बात पर मोहर लगा दी। उन्होंने कहा है कि हाँ, अगर आगे जाके पब्लिक के लार्जर इंटरेस्ट में कुछ करना होगा तभी स्टेट कैबिनेट डिस्कस करेगा, एंड हमारे मुख्यमंत्री जो है आदरणीय उद्धव ठाकरे जी वो यहाँ पर कोई डिसीजन लेंगे, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर सिनेमाघर बंद नहीं करने वाले। सो एटलीस्ट गाइज, 14 जनवरी तक सिनेमाघर बंद नहीं होंगे मुंबई में, एंड यहाँ पर पुष्पा को एक फ्री रन मिलेगा। नाउ द मेन क्वेश्चन, फाइनली पुष्पा हिंदी OTT धक धक हो रेला है दिल में, 14 जनवरी को फिल्म आने वाली है OTT पर। यस फ्रेंड्स, बहुत ही दुखद दिल से कहना पड़ रहा है कि 14 जन को पुष्पा OTT पर आने वाली। मम्मा मिया, आई एम जोकिंग, आखिरी पास्ता। वेल फ्रेंड्स, पुष्पा 14 जनवरी को OTT पर नहीं आने वाली है। यस, कल तक जो लग रहा था कि 7th को इसका जो साउथ वर्जन है वो आएगा एंड 14th को OTT पर आ जाएगी, नहीं गाइस, फाइनली इसके मेकर्स हैं उन्होंने कहा कि इसका हिंदी डिजिटल प्रीमियर का कोई भी डेट डिसाइड नहीं हुआ है। समझ में आया, यहाँ पर यस कहा जा रहा है कि पुष्पा यहाँ पर अगले हफ्ते डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आने वाली है, लेकिन सारी की सारी खबरें FAALSE फॉल्स है। अरे भैया, क्या स्पेलिंग बोले हैं आपने, हाँ फॉल्स की स्पेलिंग तो बहुत बढ़िया बोल दी है, पर सारी की सारी खबरें जो है वो गलत है। इसे ऐसी खबरों का हम खंडन करते हैं, एंड यहाँ पर कोई भी डेट डिसाइड नहीं हुआ है। जब तक थिएटर में ये फिल्म लगी हुई है तब तक ये हिंदी में OTT पर नहीं आएगी, एंड जैसे जैसे कलेक्शंस कम होना शुरू होंगे तब जाकर इस पर एक निर्णय लिया जाएगा। सो एटलीस्ट गाइज, 2 हफ्ते तक टेंशन फ्री रहो, ये OTT पर नहीं आएगी। एंड नाउ आई अनाउंस द रेस, द रोड टू द 100 करोड़ क्लब फॉर पुष्पा बिगिंस। यस फ्रेंड्स, अब पुष्पा डेफिनेटली 100 करोड़ कमाएगी इंडियन बॉक्स ऑफिस पे, एंड जब तक महाराष्ट्र गुजरात ये दो जगह चालू रहती है, डेफिनेटली पुष्पा पार्ट वन विल डेफिनेटली रीच द 100 करोड़ क्लब। अब ये तो लिखा है राइटिंग में। सो गाइस, पुष्पा OTT पे हिंदी में नहीं आने वाली है, हिंदी वर्जन इसका नहीं आएगा, महाराष्ट्र सिनेमा घर बंद नहीं होने वाले हैं, ऑफिशियल अनाउंसमेंट राइट हियर राइट नाउ। ओके गाइस, होप ये एपिसोड सुन के आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। एपिसोड पसंद है प्लीज आपको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्मैबर अंसारी साइनिंग ऑफ, यू गोना सी मी वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज, से स्टे कूल मैन, तगड़ा।